कांग्रेस की गृह लक्ष्मी योजना पर भाजपा के कोरबा पूर्व जिलाध्यक्ष और कोरबा विधानसभा प्रभारी आलोक अशोक चावलानी ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि पहले घोषणा पत्र में 500 रुपए हर महीने महिला सम्मान योजना के नाम से घोषणा की गई थी, जो आज तक किसी भी महिला को नहीं मिल सका। कांग्रेस महिला का सम्मान नहीं बल्कि उनकी भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है, क्योंकि पहले चरण के चुनाव के बाद इस तरह की घोषणा करना यह कांग्रेस की बौखलाहट है, क्योंकि पहले चरण के चुनाव में 20 में से 19 सीट भाजपा के खाते में आ रही हैं। इसलिए अपने हार की बौखलाहट में उन्होंने जल्दबाजी में 15,000 की घोषणा की है। आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि हम 15,000 देंगे, ये उनकी हार की बौखलाहट है। आपको मालूम होगा इससे पहले जो 20 सीटों का चुनाव है उसमें 18 से 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। उस हार की बौखलाहट के कारण इन्होंने इस तरह की घोषणा की। हमारी जो 12,000 की घोषणा थी वो माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी गारंटी है और सभी विवाहित को 1,000 रुपये प्रति महीना हमको देना है। इस बौखलाहट के कारण इन्होंने आज घोषणा की है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके पूर्व में भी इन्होंने पिछले घोषणा पत्र में 500 रुपया महिला सम्मान की योजना बनाई थी, जो आज तक उन्होंने नहीं की, तो अभी 1,500 क्या देंगे। सिर्फ जनता को ठगने का काम किया, जनता को ठगने का कि भाजपा ने 12 दे रहा था, हम 15 दे रहे हैं, जब पिछला ही नहीं था तो अगला क्या दोगे। देखिए, फार्म जब्ती शिकायत हुई होगी, हमें मालूम पड़ा कि रायपुर में शिकायत हुई है, यहाँ मंत्री जी ने भी शिकायत हुई है, ठीक है, जब्ती कर लेना। जब्ती करने से क्या होता है, कुछ होता थोड़ी है, जबकि हम उसमें मुद्रक प्रकाशक सभी चीज़ें हैं उसमें लिखा हुआ है। माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है, ऑनलाइन है ये सब, ऑनलाइन से हो रहा है। आप भी ऑनलाइन में देखिए तो ऑनलाइन में आपको एक फार्म मिल जाएगा, सभी पेपरों में होर्डिंग में सब ऑनलाइन का नंबर आ रहा है, ऑनलाइन डालिए तो लोगों को अपनी चाह है कि पहले से हम फार्म भर लें।